नमस्कार, मैं राखी गुजर और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हल्द्वानी काठगोदाम हेड़ा खान मार्ग पिछले एक महीने से बंद है, लिहाजा इस वजह से 120 गांव का संपर्क कटा हुआ है। इसी के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज भूस्खलन से बंद हुए इस क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे। यहाँ हैरत की बात तो ये थी कि वहां से गुजर रही बारात का दूल्हा भी कांग्रेस के धरने को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर बैठ गया और मोटर मार्ग को खोलने की मांग करने लगा। हल्द्वानी काठगोदाम हेड़ा खान मार्ग पिछले एक महीने से बंद है, जिससे 120 गांव का संपर्क कटा हुआ है। इसी को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज भूस्खलन से बंद इस क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे और जल्द से जल्द काठगोदाम हेड़ा खान मोटर मार्ग को खोलने की मांग की। इस बीच वहां से गुजर रही बारात का दूल्हा भी कांग्रेस के धरने को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंच गया। सड़क मार्ग बंद होने से पैदल जा रही बारात का दूल्हा भी जल्द से जल्द सड़क खोले जाने की मांग करने लगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस सड़क का निर्माण कांग्रेस कार्यकाल में ही हुआ है और आज यहां की जनता का दुर्भाग्य है कि एक महीने से भूस्खलन की वजह से ये मार्ग बंद है। 120 गांव के सामने स्वास्थ्य एवं खाद्यान्न का संकट आ गया है। गांव से मंडी तक जाने वाली सब्जियां फल सड़ रहे हैं और सरकार सो रही है। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार वैकल्पिक मार्ग बनाने में भी नाकाम रही है और अगर जल्द से जल्द इस मार्ग को नहीं खोला गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, काठगोदाम हेड़ा खान सान्नी सिविलिया बैंड, जिसका निर्माण कांग्रेस सरकार में किया गया था, स्वीकृत हुई और निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है आज इस क्षेत्र की महान जनता का, जिससे इस सड़क मार्ग से लगभग 90 गांव जुड़े हुए हैं और माध्यम यही मार्ग है, लेकिन पिछले महीने से यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आवाजाही बंद हो चुकी है। जो बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, वो अपना उपचार नहीं करा पा रहे हैं। हमारी बहनें अस्पतालों में नहीं जा पा रही हैं और जो मुख्य फसल है यहाँ की, खेती का जो मुख्य जरिया है, खेती अदरक है, अन्य सब्जियां हैं, दालें हैं, उसको भी वह बाज़ार में ले जाने में असमर्थ असहाय हो चुके हैं और सरकार के कान में जू नहीं रह गई है। सरकार की मनसा भी नहीं दिखाई दे रही है, इच्छा शक्ति नहीं है और आज हमें, हमारे सभी साथी यहाँ पर उपवास कर रहे हैं इस मार्ग के निर्माण के, तत्काल मार्ग का निर्माण हो। लेकिन हमारा कहना है कि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, मार्ग का निर्माण होना चाहिए था और मुझे लगता नहीं कि कब DPR बनेगी, कब सर्वे होगा, कब बजट रिलीज होगा, कब इसमें काम प्रारंभ होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, वैकल्पिक मार्ग का निर्माण होना चाहिए, इसीलिए हम आज यहाँ पर उपवास करने को मजबूर होकर बैठे हुए हैं।